फिर से एक बार हावड़ा में नाका चेकिंग, और इस बार नाका चेकिंग के दौरान हावड़ा सिटी पुलिस ने उद्धार किया लगभग 35 किलोग्राम गांजा। हम आपको बता दें, पुलिस नाका चेकिंग के दौरान बेलपाड़ा पुल के करीब हावड़ा सिटी पुलिस ने एक गाड़ी को संदिग्ध तौर पर रोका और उससे चेकिंग शुरू की। जब चेकिंग शुरू की तो उसके पास से कथित तौर पर 35 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। हम आपको बता दें, पुलिस ने गाड़ी चालक को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए भेज दिया और बरामद हुए गांजा को हिरासत में ले लिया। इस मामले से पूरे इलाके में हड़कंप समझ गया। इतना बड़ा गांजा तस्करी का मामला इससे पहले हावड़ा नाका चेकिंग के दौरान सामने नहीं आया था। हावड़ा नाका चेकिंग के दौरान जब चेकिंग हो रही थी तो उलबेड़िया से हुगली ब्रिज की तरफ जाने वाली एक गाड़ी को मौके पर रोका गया नाका चेकिंग के दौरान, और जब तलाशी अभियान जारी की गई तो उसके अंदर से लगभग 35 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पूना एक्सप्रेस वे पे ट्रैफिक गार्ड जो के नाका चेकिंग पे तैनात थी, उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। फिलहाल गाड़ी चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ के लिए भेज दिया है। आइए देख लेते हैं न्यूज़ लाइन कोलकाता के माध्यम से मौका वारदात पे। वरिष्ठ हावड़ा पुलिस के अधिकारी जब पहुंचे तो उन्होंने इस मामले में क्या कुछ कहा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गांजा किस तरह से थैली में पैक कर कर ले जाया जा रहा था, और पुलिसकर्मी इसे बरामद करने के बाद तौल तौल कर देख रहे हैं। इस तौलाई के मुताबिक लगभग 35 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कई बड़े बड़े पोटली बनाई गई है इन गांजों की, और इन्हें अच्छी तरह से बैग में पैकिंग करके ले जाया जा रहा था। पुलिसकर्मियों ने इसको जब पकड़ा और इसको चीर कर जब देखा तो इन पोटलियों के अंदर से गांजा बरामद हुआ। ये गांजा लगभग 35 किलोग्राम है। आइए देखते हैं क्या कहना है पुलिस अधिकारियों का न्यूज़ लाइन कोलकाता के माध्यम से। हमरा रेगुलर ही देखो नाका चेकिंग करी, आज के एक तो स्पेसिफिक इनपुटर भित्तिते एटा करा हयेछिलो, तो अपनारा पाशे ही देखते पाच्छेन ओनारा प्रसेस कमप्लीट करछेन लीगल प्रसेस, और यही धारणार अभियान किन्तु कंटिन्यूअसलि चलते थाकबे। थैंक यू।